हेलो एवरी वन आई वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स टॉपिक वी आर डूइंग एंड इन दिस वी आर वी हैव डन ऑलरेडी फ्यू पॉइंट्स टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू वन तो इसमें जो फर्स्ट आता है दैट इज़ परचेजेस परचेज का मतलब होता है कि जब आप बिजनेस कर रहे होते हो तो उस बिजनेस में आपने जितने भी गुड्स खरीदे होते हैं उन गुड्स के लिए हम परचेज वर्ड यूज़ करते हैं ठीक है सपोज करते हैं कि मैंने मैं एक बिज़नेस चला रही हूँ और मैंने गुड्स ख़रीदे हैं तो मैं अपनी बुक्स में एंट्री करूँगी परचेज गुड्स परचेज़ का मतलब खरीदना अब गुड्स का मतलब क्या है यहाँ पर गुड्स का मतलब समझ लीजिए देखिए हमारे पास दो तरह के बिजनेस होते हैं ट्रेडिंग एंड मैनुफैक्चरिंग राइट ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जब आप बिज़नेस आपका क्या है कोई सामान बना बनाया परचेज करना और फिर उसको मार्केट में बेच देना तो अगर आप ऐसा काम करते हो उसे हम ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं सपोज मेरा मोबाइल शॉप का काम है मैं मोबाइल्स परचेज़ करती हूँ और आगे मैं उसे किसी को बेच रही हूँ तो जो मैंने मोबाइल परचेज़ किए वो मेरे लिए गुड्स हैं ठीक है ठीके? तो मैं अगर मोबाइल्स खरीदूंगी तो मैं अपनी बुक्स में मोबाइल एंट्री नहीं लिखूंगी मैं लिखूंगी परचेजेज़ क्लियर है सेकेंड बिजनेस होता है मैनुफैक्चरिंग बिजनेस मैनुफैक्चरिंग का मतलब होता है कि आपने पहले रॉ मटेरियल ख़रीदा उसको कन्वर्ट करके फाइनल प्रोडक्ट बनाया और फिर मार्केट में बेचा जैसे कि मैंने लेदर खरीदा लेदर से मैंने शूज़ बनाए और फिर शूज़ मैंने बेचे तो जो लेदर मैं परचेज करूँगी ना वो लेदर मेरे लिए गुड्स होगा ठीक है तो अगर आपका बिजनेस आपका जिस तरीके का बिज़नेस है उसके लिए जो चीज़ आप खरीद रहे हो वही आपकी गुड्स हो जाती हैं ठीक है ठीके? तो जब भी आप गुड्स परचेज करोगे उसके लिए वर्ड आएगा परचेजेज़ सेकेंड आता है परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न का मतलब खरीदा हुआ सामान वापस भेज देना अब खरीदा हुआ सामान वापस क्यों भेजोगे सपोज मैंने जो टेन मार्कर परचेज किए थे उनमें से एक मार्कर डिफेक्टिव था ठीक है तो मैं मार्कर मुझे पसंद नहीं आया मैंने वो वापस भेज दिया तो जब मैं ऐसा करूंगी वो परचेज रिटर्न बन जाएगा ठीक है नेक्स्ट आता है सेल्स सेल्स का मतलब कि आपने जो भी सामान खरीदा है उसको बेच रहे हो आप या जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया है उसको आप मार्केट में बेच रहे हो तो जब आप सामान बेचोगे उसको हम सेल्स के नाम से एंट्री करेंगे ठीक है नेक्स्ट आता है सेल्स रिटर्न सेल्स रिटर्न का मतलब जो सामान आपने बेचा था हो सकता है उस सामान में कोई चीज़ डिफेक्टिव निकली या कोई और प्रॉब्लम रही होगी जिस वजह से उस पार्टी ने आपको बेचा हुआ सामान वापिस भेज दिया तो जब बेचा हुआ सामान वापस आपके पास आ गया वो हो जाएगा सेल्स रिटर्न क्योंकि जो सेल किया था आपने वही आपके पास रिटर्न आ गया तो सेल्स रिटर्न ठीक है नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रेड रिसिवेबल देखिए जब आप बिजनेस करते हो ना तो जरूरी नहीं है कि हर पर्सन आपको कैश साथ के साथ देकर जाए कई बार ऐसा होता है कि कुछ कस्टमर्स के साथ हमारी अच्छी रैपो बनी होती है और वो कस्टमर बोलते हैं कि भैया आज तो मेरे पास पैसा नहीं है तो मुझे ये सामान उधार पे दे दो मैं कुछ टाइम के बाद तुम्हें पैसा रिटर्न कर दूंगा ठीक है तो जिन लोगों से जिन लोगों को आपने सामान उधार पे बेचा हुआ है और वो वन ईयर के अंदर आपकी पेमेंट कर देंगे देखिए ये ध्यान रखने वाली बात है कि पेमेंट शुड बी कम विद इन वन ईयर तो ऐसे लोगों को हम ट्रेड रिसिवेबल कहते हैं ठीक है कोई भी पेमेंट जो आपको वन ईयर के अंदर रिसीव हो जाएगी दैट इज ट्रेड रिसिवेबल अब इसके अंदर टू पार्ट्स आते हैं ट्रेड रिसिवेबल दो का कॉम्बिनेशन है मीन्स दिस प्लस दिस अब डेटर्स क्या है और ये क्या है डेटर्स हम किसे कहेंगे ये समझिए पहले सपोज करते हैं कि मैं मार्कर्स uh, बेचने की मेरी शॉप है और मेरे पास एक कस्टमर आता है जो मेरा रेगुलर कस्टमर है वो मुझे कहता है कि मुझे फाइव पैकेट्स मार्कर बेच दो और अभी मेरे पास कैश नहीं है मैं टू मंथ्स के बाद आपको कैश देकर चला जाऊंगा तो मैंने अब मैं उसके साथ अपनी रेपुटेशन बिगाड़ना नहीं चाहती तो मैंने उसको अपने क्या किया मार्कर्स बेच दिए अब वो मार्कर्स लेके चला गया टू मंथ्स के बाद वो मुझे पेमेंट करेगा तो ऐसे पर्सन को जो हमारा कुछ टाइम के बाद पेमेंट करने वाला है ऐसे पर्सनस को हम कहते हैं डेटर्स ठीक है बिजनेस में ऐसी पार्टी को डेटर्स कहा जाता है क्लियर हो गया अब बिल रिसीवेबल क्या होता है सपोज करते हैं मैं वही अपना बिजनेस कर रही हूँ मार्कर्स बेचने का और अचानक से एक न्यू पर्सन मेरे पास आता है ठीक है और वो मुझे कहता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं लेकिन आप मुझे मार्कर्स उधार पे बेच दो क्या मैं उसे क्रेडिट पे सामान बेचूंगी जब मैं उसे जानती ही नहीं तो मैं उसे पे पेमेंट क्यों मतलब पे, अपना सामान क्यों दूँ क्या गारंटी है कि वो मेरा कैश वापस करेगा ठीक है तो ऐसी कंडीशन में आप कस्टमर को मना तो नहीं कर सकते अगर आप ऐसे ही हर किसी को मना करने लगे तो मार्केट में फैल जाएगा कि ये पर्सन तो बहुत अकड़ू है और उधार पे सामान देता ही नहीं है ठीक है तो आपने क्या किया इसका एक सोल्यूशन निकाला आपने कहा देख भैया ना तो मैं आप तुझे जानता हूं ना तू मुझे जानता है लेकिन मैं तुझे सामान उधार पे दे दूंगा मगर मेरी कंडीशन है कि तुझे एक डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ेगा और उस डॉक्यूमेंट पे लिखना पड़ेगा कि किस डेट पर और कितनी पेमेंट तू मुझे करने वाला है ठीक है अगर तुम ये डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें अपना जो गुड्स है वो बेचने के लिए तैयार हूं ठीक है तो अगर कोई पर्सन ऐसे डॉक्यूमेंट पर साइन करके आपको दे देता है तो उसको हम कहते हैं बिल रिसीवेबल क्योंकि आपने एक बिल रिसीव किया है उस पर्सन से कि कुछ टाइम के बाद वो आपकी पेमेंट कर देगा तो रिटर्न डॉक्यूमेंट अगर हो जाता है वो है बिल रिसीवेबल अगर बिना डॉक्यूमेंट्स के आपने ऐसे ही अपनी रेपुटेशन के बेसिस पर दिया है तो वो हो गया डेटर्स क्लियर हो गया डिफरेंस समझ आ गया दोनों में नेक्स्ट आते हैं बैड डेट्स ये जो पॉइंट है ना ये क्वेश्चन बहुत बार यूज होगा और बैड डेट्स जो है ना ये हर बिजनेस में होते हैं और ये बहुत बड़ा लॉस है बिजनेस के लिए क्यों बैड डेट्स का मतलब क्या हुआ कि कुछ लोग ऐसे निकले जिन्होंने मेरी पेमेंट नहीं की मीन्स मुझसे उधार पे सामान ले तो गए और मेरे से प्रॉमिस भी करके गए कि टू मंथ्स के बाद पेमेंट करूंगा या थ्री मंथ्स के बाद करूंगा बट मेरी पेमेंट की नहीं ठीक है तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं बैड डेट्स सपोज करते हैं कि मैंने जिसको पेमेंट की मार्कर्स बेचे थे अपने फाइव पैकेट्स मार्कर उन फाइव पैकेट्स मार्कर की पेमेंट थी सपोज करते हैं फाइव हंड्रेड रुपीज़ ठीक है तो वो पर्सन जो मुझसे सामान लेके गया था वो दो महीने के बाद मेरे पास आता है पेमेंट करता है मुझे लेकिन सिर्फ फोर हंड्रेड की ठीक है देने थे फाइव हंड्रेड दिए कितने फोर हंड्रेड तो जो सौ रुपये मुझे नहीं मिले वो सौ रुपये मेरे क्या हैं डेट्स ठीक है जो पेमेंट हमें रिकवर नहीं हो पाती है उस पेमेंट को हम डेट्स कहते हैं नेक्स्ट आता है ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल का मतलब होता है कि बिजनेस में अगर आपको कोई चीज़ उधारी पे मिली है और आपने उसकी पेमेंट करनी है तो वो होगा ट्रेड पेबल ट्रेड मीन्स बिजनेस पेबल मतलब पे करना है बिजनेस में कोई चीज़ आपने अगर उधारी पे ले ली और उसकी पेमेंट आपको करनी है तो वो ट्रेड पेबल होगा इसके अंदर भी दो आते हैं जैसे यहाँ पर दो थे वैसे ही यहाँ पर भी दो हैं क्रेडिटर्स का मतलब क्या बनता है देखिए अगर मैं किसी से उधारी पे सामान लेकर आती हूँ ठीक है और मैं उसकी रेगुलर कस्टमर थी इसीलिए उसने मुझे उधारी पे सामान दे दिया उसने मुझे सामान दिया कुछ टाइम के बाद मुझे उसकी पेमेंट करनी है ठीक है और बिना किसी रिटर्न डॉक्यूमेंट के ये बात मैंने उससे की है कि भाई तेरे को तीन महीने बाद मैं पेमेंट करूँगी तो वो चीज़ क्या होगी क्रेडिटर्स ठीक है अगर बिजनेस में आपको किसी की पेमेंट करनी है तो वो है क्रेडिटर्स नेक्स्ट आता है बिल पेबल अब सपोज करते हैं कि मैं किसी से उधारी पे सामान मांगती हूँ लेकिन सामने वाली पार्टी मुझे सामान देने के लिए तैयार नहीं है वो कहती है कि मुझे तेरे पर ट्रस्ट नहीं है तो ट्रस्ट नहीं होने की वजह से एक रिटर्न डॉक्यूमेंट साइन करके दो मुझे अगर आप वो रिटर्न डॉक्यूमेंट साइन कर देते हो तो मैं आपको उधार पे सामान देने के लिए तैयार हूँ ठीक है अब मैं बिजनेस जाता है उस पर्सन के पास डॉक्यूमेंट साइन करता है और गुड्स को खरीद कर अपने पास ले आता है और कुछ टाइम के बाद मुझे उसकी पेमेंट करनी है तो मैं बिल साइन करके आई हूँ मुझे उसकी पेमेंट करनी है इसीलिए वो बिल पेबल हो गया डिफरेंस क्लियर हुआ नेक्स्ट होता है गुड्स गुड्स क्या होते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ जब भी आप सामान परचेज करके लाते हो बिजनेस में चाहे आप रॉ मटेरियल ला रहे हो चाहे बना बनाया सामान ला रहे हो उस चीज़ को हम कहते हैं गुड्स ठीक है नेक्स्ट आता है इंसॉलवेंट इंसॉलवेंट का मतलब होता है बिजनेस में इंसॉलवेंट का मतलब है वो इंसान जो मेरी पेमेंट बिल्कुल भी नहीं कर पाया कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं डेट्स में और इंसॉलवेंट में डिफरेंस है डेट्स का मतलब वो पेमेंट जो आपको रिकवर नहीं हुई मींस किसी ने पांच हजार देने थे दिए हैं चार हजार तो जो एक हजार आपको नहीं मिला वो डेट्स है लेकिन इन का मतलब होता है कि पूरे के पूरे पेमेंट ही नहीं आपको मिली ठीक है सपोज किसी से लाख लाख लेने थे, उसने वन ही नहीं दिए, अपने आपको दिवालिया घोषित कर दिया कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो ऐसे पर्सन को हम इंसॉल्वेंट कहेंगे ठीक है नेक्स्ट आता है सॉल्वेंट ऑब्वियसली इसका उल्टा जो पर्सन आपके टाइम टाइम पेमेंट कर देता है आपके साथ कोई उधारी नहीं रखता जितनी उधारी आपके पास है वो सारी आपको दे देता है ऐसे पर्सन को हम सॉल्वेंट कहते हैं मीन्स ये वो पर्सन है जो टाइम टू टाइम अपनी पेमेंट्स कर सकता है ठीक है और भी इसमें टर्म्स हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस थैंक यू